13 रजब के दिन घर में ये चार चीजें पकाने से घर का रिज्क बढ़ता है, परेशानियां घर से दूर हो जाती हैं। पहली चीज, किसी मीठी सफेद चीज का घर में पकाना और फिर उस पे सूरह फातिहा और सूरह इखलास को पढ़ के अपने मरहूमीन के लिए मगफरत की दुआ मांगना, इससे घर की तरफ पूरा साल रिज्क में फरामानी होती है। दूसरा अमल, घर में दोपहर के वक्त मछली पकाना, इनसे घर में तमाम नजर हसद के असरात फौरन खत्म होते हैं और घर के मर्दों के रिज़्क में अल्लाह के करम से फरावानी होती है। चौथी चीज, घर में सब्जी पकाना या कद्दू पकाना, ये एक ऐसा अमल है जो घर के तमाम इख्तलाफात को खत्म करता है। जिस घर में मियां बीवी लड़ते हैं वो कोशिश करके अपने घर में 13 रजब के दिन सब्जी पकाए, अल्लाह के करम से उनके घर में आने वाला पूरा साल अमन और मोहब्बत रहेगा। और चौथी चीज, घर में गोश्त पकाना और गोश्त का थोड़ा हिस्सा किसी मुस्तहक को देना। ऐ लोगो, जो इंसान 13 रजब की रात घर में गोश्त पकाता है और वो गोश्त खुद भी खाता है, वो थोड़ा सा हिस्सा किसी मुस्तहक को देता है, तो ये एक ऐसा अफजल अमल है जिससे घर में गैब से रिज़्क आता है, तमाम परेशानियां खत्म होती हैं और अल्लाह उस घर में रहने वालों की तमाम दुआएं फौरन कबूल कर देता है।